एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि फ्रॉम अंडमान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, और हम ठीक ही है, पर उतना भी ठीक नहीं है। मेरे गले की आवाज़ सब तो शायद पता चल ही रहा होगा। मुझे ना जुकाम पकड़ा है, मतलब सर्दी जुकाम, और उसके संग जो जुकाम का जो बुखार होता है ना, वो है थोड़ा बहुत। मतलब हमारे घर में सबको लाइन से हो चुका है। पहले मेरी बेटी को हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, अभी मुझे हुआ। उन लोगों का ठीक हो चुका है, अभी मुझे पकड़ा है। तो बस आज थोड़ा वीक वीक टाइप लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। बस अभी मैं आप लोग से बात करी, और मेरे हस्बैंड आज खाना बना रहे हैं। मतलब मैं बॉइल्ड खाना बना के रखी, मतलब आलू भरता और टमाटर भरता डालकर ना मैं कुकर में सीटी लगा कर रखी। तो अभी मेरे हस्बैंड दाल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बना देता हूँ। सुबह से ना मतलब सर बहुत भारी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी काम करने को मन नहीं हो रहा है। फिर भी सुबह से जैसा ज़्यादा पानी का काम हो ही जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड दाल बना रहे हैं, तो दाल बना रहे किचन का हालत क्या कर दिए। और इस दाल पर ना इतना कुछ डाल रहे हैं ना, मैं बस चुपचाप देख रही हूँ। यहाँ पर टमाटर और दो तरह का दाल तो डाले हैं मिक्स करके, फिर इसमें इलायची, गोल मिर्च, लौंग, क्या ये सब डाल रहे हैं। मैं बोली ये सब क्यों डाल रहे? बोल रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा गला ख़राब है ना, तो इसमें लौंग, इलायची ये सब डाल रहे हैं, साथ में आलू भी डाले। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये खीरा का रायता बना ली, मतलब कुकुम्बर का रायता बना ली, मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये, तो ये भी साथ में थोड़ा बना ली। दाल भी बन रहा है, और आलू भरता मैं बना ली, वो तो पहले ही मैं बना कर रखी थी, तो आज लंच में बस यही होगा। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो चुका है। फिर मेरे हस्बैंड ये दाल चढ़ाने के बाद इसमें देखिए लहसुन भी डाल दिए, धनिया पत्ता सब डाल दिए। तो वो जैसा बना रहे हैं बस मैं चुपचाप देख रही हूँ, मैं कुछ टोका टाकी नहीं कर रही हूँ, उनको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा ही बना रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को भी अच्छा खाना बनाना आता है, वो कभी कभी बनाते हैं, मूड के ऊपर, उनको अगर अच्छा लगे तो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल तो बन चुका है, और देखकर तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर मुझे दोनों चिढ़ा रहे हैं, देखिए दोनों का मस्ती चल रहा है यहाँ पर। और अभी हम लोग लंच कर लेंगे, यहाँ पर सब तैयार हो चुका है। दोपहर को खाना खाने के बाद ना, लंच करने के बाद मैं फिर ना सो गई, मतलब दोपहर को मतलब थोड़ा रेस्ट कर ली। तो अभी अच्छा लग रहा है उठने के बाद थोड़ा, क्योंकि मतलब मैं सोई ना, उससे पहले मैं थोड़ा स्टीम भी ले ली थी। स्टीम लेकर मैं फिर कंबल ओढ़ कर एकदम सो गई, और थोड़ा देर पहले ही उठी अभी। और उठते ही मैं अभी ना चाय चढ़ा दी, थोड़ा वो मसाला वाला चाय बनाते हैं ना, अदरक फिर लौंग गोल मिर्च डालकर। शाम हो चुका है, मतलब अभी रात हो चुका है, तो मैं तुलसी पत्ता नहीं तोड़, मतलब रात को नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए तुलसी पत्ता नहीं डालूंगी। पर बाकी सब डालकर ना, अभी मैं पानी बॉईल होने के लिए रख दी, तो थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ कड़क वाला, फिर थोड़ा चाय पी लूँगी उसके बाद। और मेरी बेटी सो रही है, फिर रात का डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है चाय, मैं एकदम फ्लेम कम करके रखी थी, थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर, मतलब थोड़ा देर बॉईल हो जाएगा इसीलिए। तो ये हो चुका है, इसमें लौंग गोल मिर्च फिर अदरक सब मैं डाली, तो एकदम कड़क मसाला वाला चाय बना दी, ये बन चुका है। और अभी इस चाय को मैं बना लेती हूँ। एकदम थोड़ा सा मैं दूध डाली, थोड़ा लीकर ज़्यादा वाला चाय मुझे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा एकदम दूध डाली। तो ये बन चुका है एकदम लीकर वाला चाय। तो ये चाय अभी मैं पी लेती हूँ, उसके बाद डिनर बनाते वक्त आप लोग से मिलूँगी। और देखिए अभी मैं चाय पीते पीते ना मेरी बेटी उठ गई थी, फिर उसे शाम का जो भूख लगता है ना, सोकर उठी ना तो भूख लग गया था, तो मैं झटपट मैगी बनाकर ही दे दी, मुझे और कुछ बनाने को मन नहीं हो रहा था। और मेरी बेटी को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी ये मैगी खाते खाते मैं अभी किचन पर जाकर डिनर बनाने का तैयारी करती हूँ।
तो अभी यहाँ पर मैं सांभर चढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं देखिए, इसमें मैं छौंका में डाल रही हूँ थोड़ा सा मेथी, जीरा, सौंफ और राई, और इसमें मैं अभी डाल दी थोड़ा सा हींग, और वो थोड़ा सा जब भुन चुका था उसके बाद इसमें मैं सूखा वाला लाल मिर्च डाल दी 3, और अभी इसमें मैं डाल दी प्याज एक बारीक से काट कर, और यहाँ पर मैं कुछ सब्जी था घर पर वो काट कर रख दी सांभर में डालने के लिए। तो बैंगन और टमाटर अभी मैं नहीं डालूंगी, आलू और जो सेम है वो मैं अभी फ्राई करके सांभर के साथ चढ़ा दूंगी, क्योंकि ये सांभर बनेगा उसमें बराबर से पकेगा, पर टमाटर और बैंगन अभी डालूंगी ना तो एकदम गल जाएगा। जो सब्जी जल्दी से गलता है ना वो जब सांभर बन जाए ना उसके बाद डालकर थोड़ा देर पका लेने से हो जाता है। जैसे इसमें भिंडी भी अगर डालेंगे ना तो वैसा ही डालने से अच्छे से पकता है। तो यहाँ पर मैं दाल भी डाल दी, थोड़ा सा सब्जी को फ्राई कर ली, और इसमें मैं नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करी, और अभी मैं इसमें दाल पकता है जितना सीटी में वैसा मैं इसे पका लूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 सीटी में इसे पका ली और ये बराबर से पका है। अभी इसमें मैं टमाटर और बैंगन को डालकर थोड़ा देर इसे पका लूँगी, मतलब बैंगन जितना देर में गलेगा उतना देर इसे पका लूँगी मैं। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच सांभर मसाला ऐड करी, और इसमें इमली का थोड़ा सा खट्टा भी डालने से अच्छा होता है, तो मैं इसमें इमली का खट्टा भी डाली थी पर उस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर देखिए सांभर बन चुका है। तो करी पत्ता मेरे पास नहीं था इसीलिए मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर डाल दी, और यहाँ पर बन चुका है सांभर। और अभी इसके साथ खाने के लिए मैं इडली बनाऊंगी। तो ये ब्रेकफास्ट का जो मैं बना रही हूँ ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं, पर मुझे अभी खाने को मन हो रहा था तो इसीलिए अभी मैं बना रही हूँ इडली और सांभर। तो यहाँ पर झटपट बनने के लिए मैं ना रवा वाला इडली बना रही हूँ, सूजी का इडली। तो यहाँ पर मैं जितना सूजी ली उतना ही मैं इसमें दही भी ऐड करी, और थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाली, और इसमें मैं हरा धनिया था घर पर उसे मैं बारीक से काट कर डाल दी। देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करी, मुझे सूखा सूखा लग रहा था एकदम ये बैटर। तो यहाँ पर अभी मैं इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी ढककर, तो ये सूजी अच्छे तरीके से फूल जाएगा। और जो झटपट अभी खाने को मन हो रहा है तो इडली, तो ऐसा इडली बनाकर खाने से भी ना टेस्ट वैसा ही लगता है, क्योंकि इसमें दही डालते हैं ना तो उसका जो एक खट्टापन होता है ना इडली का, तो सेम टेस्ट ही आता है। तो ऐसा भी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए जिस कटोरा पर बनाऊंगी वो भी मैं तेल लगाकर रेडी कर ली, और यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है और सूजी फूल कर देखिए एकदम इसका बैटर एकदम टाइट हो चुका है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल को बराबर कर रही हूँ, जैसा इडली का घोल होता है ना, एकदम ना एकदम पतला ना एकदम थिक, वैसा मैं इसे बना ली। और यहाँ पर मैं ये छोटा चम्मच का आधा चम्मच मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। तो इनो एक्टिवेट होने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए अभी ये हो चुका है, और अभी इस इनो को इसके साथ मिलाऊंगी ना तो ये बैटर ना बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। तो देखिए ये फूल रहा है। तो अभी इसे मैं जैसा इडली का माहू जो हम लोग बनाते हैं ना दाल चावल का, एक दिन बाद कैसे फूल जाता है ना, तो ये मतलब जल्दी से उसी टाइम के लिए ये इनो यूज़ करने से अच्छा होता है, तो सूजी का मैं ऐसा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कटोरा बैटर इसमें डाल दी, और अभी इसे मैं स्टीम कर लूँगी कढ़ाई में करके। मैं बना रही हूँ कटोरा में इडली बना रही हूँ। तो यहाँ पर अगर इडली बर्तन ना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं 6-7 मिनट के लिए ऐसे ही स्टीम कर मतलब ढक कर बना ली। तो देखिए ये बन चुका है, और मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ तो एकदम अच्छे तरीके से पका है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है टूथपिक पर। और यहाँ पर ये बन चुका है, और थोड़ा सा जब ठंडा हो चुका है अभी मैं इसे कटोरा से निकाल कर हॉटकेस में रख दूंगी, तो गरम गरम रहेगा। एकदम ठंडा होने के बाद ये और अच्छे तरीके से निकलता है, पर ये अभी हल्का हल्का गरम है, फिर भी देखिए एकदम अच्छे से पूरा कटोरा से अलग हो रहा है और एकदम जालीदार बनता है, और एकदम स्पंजी, बहुत अच्छा, एकदम जैसा इडली बनता है सेम वैसा ही एकदम अच्छा लगता है। पर ये जो इडली है आपको जब खाने का मन हो आप तभी बना सकते हैं, इसमें दाल चावल भिगाने का कोई झंझट नहीं है, आराम से उसी टाइम बना सकते हैं। जल्दी बनने वाला इडली है वो रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना ली, तो ऐसे ही बाकी का भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर पूरा बन चुका है,
तो यहाँ पर हो चुका है सब तैयार, हम लोग अभी कर लेंगे डिनर। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।